हेलो दोस्तों, वेलकम टू सारंग GIDC। हाजिर हुए एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। तो फ्रेंड, आज की जो जॉब रिक्वायरमेंट है बेस्ट कुका ऑटोमोटिव लिमिटेड में, और मल्टी पोस्ट पे वैकेंसी है, और फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। और फ्रेंड, आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, मतलब कि आपकी प्रीवियस कंपनी में आपकी जो भी सैलरी रहेगी उसका 13% आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है। और ये वैकेंसी में 100+ पोस्ट निकली है, मल्टी पोस्ट पे वैकेंसी है। तो फ्रेंड, पूरा वीडियो वॉच करना, उसके बाद जाके अप्लाई करना। आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, और आप अच्छे से समझ ना होने की वजह से आप कंपनी में आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा और आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उससे अच्छा है आप 2 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही जॉब वैकेंसी के वीडियोस अपलोड करते हैं। और ये सारी जॉब वैकेंसी की अपडेट हम किसी ठेकेदार या HR के रेफरेंस से इंफॉर्मेशन लेके आप तक पहुंचाते हैं। हमारा मेहनत के लिए एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फ्रेंड, ये बेस्ट कुका कंपनी में वैकेंसी निकला है, मल्टी पोस्ट पे वैकेंसी है। और फ्रेंड, कैसे अप्लाई करना है, HR का कॉन्टैक्ट नंबर, और आपको सैलरी कितना मिलेगा, बस की फैसिलिटी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है, साथ ही सारी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड, कंपनी का नाम आपने पहले भी सुन लिया, जो कि बेस्ट कुकी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। उसमें 100 कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी है। आप मेल है तभी इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और आपकी एज 18 से 28 की साल के बीच में होनी चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है ITI, और डिप्लोमा आपका होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड से आप ITI किया है, किसी भी फील्ड से डिप्लोमा किया है, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका डिप्लोमा या ITI होना ज़रूरी है। और फ्रेंड, आपको 8 ही घंटे ड्यूटी करना है, और जो मैं सैलरी आपको दिखाऊंगा, सैलरी बताऊंगा, वो आपकी 8 घंटे की रहेगी। आप जितना घंटा ओवर टाइम करेंगे वो उसका पैसा आपको अलग से मिलेगा। आपकी सैलरी के ऊपर, बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको 1 घंटे ओवर टाइम का कितना पैसा मिलने वाला है, और वो आपको ज्वाइनिंग करने के बाद ही पता चलेगा। तो फ्रेंड, बने रहिए इसी वीडियो में। तो फ्रेंड, जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं, तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। VMC CNC का एक्सपीरियंस है आपके पास, 2 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपके पास रोबोट वेल्डिंग ऑपरेटर का एक्सपीरियंस है, मतलब कि कुका का रोबोट है, या किसी ABB का रोबोट है, यामाहा का रोबोट है, आपको किसी भी रोबोट का वेल्ड शॉप का एक्सपीरियंस है 2 to 5 ईयर का, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोल रूम ऑपरेटर का एक्सपीरियंस है, मतलब कि टोल रूम तो आपने सुना ही होगा, जो लोग टोल रूम वाले हैं उन लोगों को भी पता रहेगा, जो कि किसी भी कंपनी में, मतलब कि कोई काइजन करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, या कोई चीज़ टूटी है उसको बनाना है, वो सारा काम टोल रूम में होता है। जहाँ पे टोल रूम में CNC VMC मशीन भी होते हैं, तो VMC और CNC मशीन ऑपरेटर टोल रूम के लिए वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास 2 साल 2 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो सीधा टोल रूम के लिए अप्लाई करें, तो मेरे लिए, मतलब कि आपके लिए एक अच्छा रहेगा, आपको अच्छी भी सैलरी भी मिल सकती है। CMC ऑपरेटर के लिए भी वैकेंसी है, उसमें भी सेम एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो फ्रेंड, हम सैलरी की बात करते हैं, तो आगे हम सैलरी में बात करेंगे। जो जो लोग फ्रेशर है ITI और डिप्लोमा में, जो लोग फ्रेशर है उनको 11,500 से 12,500 सैलरी मिलने वाली है। और जो लोग CNC VMC ऑपरेटर है तो उन लोगों को उससे थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलेगा। तो फ्रेंड, वो एक बार आप नज़र कर लीजिए कितना सैलरी मिलने वाला है, एक बार देख लीजिए। CM VMC ऑपरेटर को 13 to 16, CNC ऑपरेटर को भी सेम सैलरी है। रोबोट वेल्डिंग सैलरी उनके लिए भी 13 to 15 है। टोल रूम ऑपरेटर के, उसकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा है। तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि CMC और VMC का ऑपरेटर है और उनके पास 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब कि 3 साल+ के 6 साल के बीच में एक्सपीरियंस है, तो अच्छा आप टोल रूम में ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करें तो आपको थोड़ा अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा। और CMM क्वालिटी ऑपरेटर 17,000 to 20,000 सैलरी रखा गया है, उसमें भी 3 ईयर टू 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो फ्रेंड,
इसमें एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, तो आपको उन्हीं दोनों कॉन्टैक्ट नंबर से बात करना है और आपको कंपनी गेट पे ही जाना है वैकेंसी अप्लाई करने के लिए। आपको कंपनी गेट पे ही जाना है, सीधा कंपनी रोल पे ही वैकेंसी निकाला गया है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है, रिज्यूम, आधार कार्ड ओरिजिनल और फोटोस्कॉपी, पैन कार्ड ओरिजिनल और फोटोस्कॉपी, मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोस्कॉपी, बैंक अकाउंट फोटो, मतलब बैंक अकाउंट पासबुक की जेरोक्स आपको लेके जाना है, नहीं तो आपका सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो पहले आप अपने बैंक अकाउंट का सैलरी स्लिप या जो फ्रंट पेज का पासबुक का जेरोक्स, उसको ज़रूर लेके जाइए। आप उसमें डिले करेंगे तो आपका सैलरी नहीं आएगा। और आप छानन जी आई डी सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करेंगे कि सर मेरा सैलरी अटक गया था, एक बार ऐसा हुआ था। तो ऐसा ना हो उसके अच्छा है आप ये सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाए, पार्ट चार पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद आगे हम बात करें फिर, तो वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है और एक कंपनी एड्रेस बिलासपुर हरियाणा में है फ्रेंड, ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बिलासपुर हरियाणा में इसका जॉब लोकेशन रहने वाला है कंपनी का। तो यही आपको कंपनी एड्रेस पे जाना है और यहाँ पे मैं सीधा एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर ही आपसे शेयर कर लेता हूँ, तो आपको जो भी डाउट है वो सीधा ये दोनों नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये दोनों नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना रहेगा, ये दोनों कॉन्टैक्ट एचआर के है, तो उन दोनों कॉन्टैक्ट पे आपको व्हाट्सअप पे रिज्यूम सेंड करना है। और आपका ये सारी कैटेगरी को आप फॉलो करते हो, आपके पास किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस है तो उसका भी आपके रिज्यूम में ऐड होना चाहिए। और उसमें आपको ये दोनों नंबर से बात करना है और उसको वो एचआर जो ये दो कॉन्टैक्ट है एचआर के, उन लोगों को समझाना है, एक्सप्लेन करना है आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने कौन कौन से मशीन पे काम किया है। उसके बाद जाके आपको जॉब सानंद जेएडीसी के वेबसाइट पे जाके विजिट करके अप्लाई करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नई जॉब वैकेंसी के साथ। आपको ये जॉब के रिलेटेड जो भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड जॉब करना चाहते हैं तो सानंद जेएडीसी के यूट्यूब चैनल के बारे में उनके भी उन लोगों को भी बताइए। और जॉब सानंद जेएडीसी की .com की वेबसाइट पर आपने विजिट नहीं किया है तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दिया है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।